हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर प्रदेश का अपना दूसरा बजट पेश किया है। बजट पेश करने से पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आज के ही दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 91 साल पहले शुरू की थी। आज पीएम मोदी भी गुजरात में इस अवसर पर यात्रा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बजट की विशेषता ये है कि 1,55,645 करोड़ रुपए की बजट राशि से 45,066 करोड़ रुपए राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। पिछली बार 1,37,738 करोड़ का बजट था जो इस बार 13% पिछली बार के बजट से अधिक है। SDGC ने संबंधित योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। ये संशोधित अनुमान 2020-21 के 1,37,768 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। बजट में 25% 36,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च और 75% 1,16,927 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के रूप में शामिल है। अनुसूचित जाति के लोगों को अदालत में पैरवी के लिए 22,000 रुपए दिए गए हैं। पहले ये रकम 11,000 रुपए थी। वही किसानों को संपत्ति, कृषि भूमि, किराया और आरक्षण की पैरवी के लिए 6,110 करोड़ का बजट दिया गया है। कृषि कल्याण के लिए 2,998 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। बागवानी के लिए 498 करोड़ रुपए का बजट, पशुपालन डेयरी के लिए 1,225 करोड़ रुपए, मत्स्य के लिए 125 करोड़ रुपए, सहकारिता के 74 करोड़ रुपए का बजट है। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा में वृद्धा पेंशन 2,500 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 10,798 करोड़ का परिव्यय की घोषणा हुई है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 3,402 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 5,081 करोड़ रुपए, खेल के लिए 7,731 करोड़ का बजट रखा गया है। शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रोजगार के लिए 884 करोड़ रुपए, श्रम विभाग के लिए 71 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कौशल विकास के लिए 868 करोड़ रुपए, परिवार समृद्धि योजना के लिए 10,798 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वही परिवहन विभाग के लिए 2,865 करोड़ रुपए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 139 करोड़, राजस्व प्राप्तियां फरवरी 2021 तक 26,038 करोड़ रुपए, सड़क और भवन निर्माण के लिए 2,985 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन के लिए 184 करोड़, बिजली के लिए 7,089 करोड़ रुपए, अक्षय ऊर्जा के लिए 270 करोड़ रुपए, बिजली और अन्य के लिए 10,858 करोड़ रुपए, सड़क और भवन निर्माण के लिए 2,985 करोड़ रुपए बजट में रखे गए। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्कूलों में दाखिले के लिए फिर से SLC की अनिवार्यता खत्म की है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में बिना SLC वाले बच्चों के लिए MIS अद्यतन की व्यवस्था अब पोर्टल पर संभव है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 25,962 केंद्र पिछले साल कोविड के चलते 24 मार्च से बंद किए गए थे। इनके लिए स्पेशल एहतियात बरतते हुए अलग से SOP जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से 3 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत यूनिफॉर्म, स्कूल बैग व स्टेशनरी का सामान का लाभ दिया जाएगा जिसके लिए सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से विद्यार्थियों की जानकारी मांगी गई है जिसके बाद इसके लिए बजट जारी किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। 1,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। 22.95 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे। आयुष विभाग में 1,000 वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। हर जिला अस्पताल में ICU प्राइवेट वार्ड स्थापित किया जाएगा। वही CM ने कहा कि सभी के लिए खेल विजन लागू करने का लक्ष्य है। हर साल 50,000 युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए करियर जागरूकता पोर्टल बनाया गया है। सक्षम हरियाणा के लिए भी सरकार ने कोशिश की है। 2021-22 में ज्यादा रोजगार देने पर जोर दिया गया है। ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए मुआवजा मंजूर किया गया है। 115.18 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की गई है। ऋण समझौतों के लिए स्टाम्प शुल्क घटाया गया है।
ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।